गुड मॉर्निंग, आज एसटीसी में हम गणित सेक्शन के अंतर्गत में चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि चार भुजाओं से घिरा हुआ चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि ये चतुर्भुज है, ठीक है, और ये भी जैसा कि नाम से पता चलता है कि जिसके दाम समान हो,
अभी ये नंबर मैंने लिख दिया है और इसका भी नंबर, तो ये नंबर और ये नंबर क्या होगा, समान होगा। इसको समझा सकते हैं, तो एक बार शुरू में जैसे फिर से ले लेते हैं आए ऐसे क्या हो आमने सामने हो जाए बराबर मकड़ी के लिए कौन आए वर चारों जाएंगे एक समान एक कौन मकड़ी लिखा हो समझो तो कुछ जैसे कि चारों जाएंगे एक समान हो ले अभी कौन अलग अलग नाम का हो यानी मकड़ी लिखा नहीं तो ये समझो समांतर शब्द हो जैसे आगे सामने हो समांतर हो तथा समूह कोण भी समान हो और विकल जिसको दो भागों में बराबर करता है उसको समांतर शब्द कहते हैं। समांतर शब्द हो जिसके लंब समान हो उसको समूह कहते हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। संदर्भ कोण का मान बहिष्ठ कोण का मान भी 360 डिग्री होता है। इसलिए तो ये है हमारे चतुर्भुज के बारे में। अब एक चतुर्भुज की रचना करने के बाद हम अध्ययन कर रहे हैं कि जल्दी से एक चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है। ये भी जान सकते हैं इसका गठन पूछा जान सकते हैं। तो अब अपन रचना के साथ देखते हैं कि कैसा रचना हमने ए बी का ए गठन पूछा 4 सेंटीमीटर का और उसके बाद में बी सी से हमने 3 सेंटीमीटर का चाप फिर हमने क्या किया है एडी 5 सेंटीमीटर और सी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ए से हमने बी से हमने 3 सेंटीमीटर का अंतर को मिला दिया क्या किया 3 सेंटीमीटर। अब सी बिंदु से हम बी बिंदु पर 5.5 का चाप ये फिर ए बिंदु से हमने 5 सेंटीमीटर का चाप बना दिया जो इस दिशा में है जहां दोनों चाप कटे वहां पर बी बिंदु को हमने क्लिक कर लिया और ए बी से ए से मिला और फिर इसको सी बिंदु से मिला लिया। इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी की रचना इसी प्रकार के लिए इसमें कौन बना रहे हो कौन बना तो ये चतुर्भुज के बारे में मुख्य बात थी जो आज हमने अध्ययन की। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट में हम अन्य आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।